आज हम बनाएंगे सर्दियों में सबका फेवरेट गोभी मटर की रेसिपी, वो भी सिंपल एंड इजी वे में। हाय एवरीवन, मैं हूँ रीमा एंड आपका डिलीशियस कुकिंग आर्ट चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और डिलीशियस कुकिंग आर्ट चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोभी को हमें ऐसा छोटा पीसेस में कट कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून सरसों का तेल ले लिया है। आप चाहे तो कोई भी तेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए यहाँ पे मैंने गोभी को ऐड कर दिया है। गोभी को हमें शैलो फ्राई करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड थोड़ा 1 पिंच मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। नमक और हल्दी के साथ इसे शैलो फ्राई करके हम अलग निकाल के रख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है। इसी कढ़ाई पे मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑयल और ले लिया है। जब यहाँ पे फिर से तेल को हम गर्म होने देंगे, फिर 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया है, 2 लाल मिर्च, फिर मैंने यहाँ पे 2 दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है, तेजपत्ता मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी सभी चीज़ों को हम थोड़ा सा यहाँ पे भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 प्याज को चॉप्ड करके ऐड कर दिया है। अभी हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जस्ट हल्का ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर को मैंने यहाँ पे रफली चॉप्ड कर लिया था, उसे हम यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी टमाटर और प्याज को थोड़ा सा हम यहाँ पे भून लेंगे। जब हमारा टमाटर और प्याज अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा भून जाए, फिर हम यहाँ पे मसाला ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर ऐड किया है, आप इसकी जगह पे जिंजर का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ले लिया है, 2 से 3, आप अपना स्वाद अनुसार यूज़ कीजिएगा। फिर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके मसाले के साथ प्याज और टमाटर को यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले को हमें यहाँ पे टमाटर और प्याज के साथ अच्छी तरह से टाइम लगाते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करके मसाले को हम अच्छी तरह से यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। आप मसाले को जितना अच्छे से फ्राई करेंगे आपका सब्जी उतना ही टेस्टी बनेगा। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे गोभी फ्राई करके रखा हुआ था उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी मसाले के साथ गोभी को हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिला के इसे थोड़ा सा चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। जब गोभी मसाले के साथ अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स हो जाए, मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर को थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसे। उसके बाद इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे हम मटर और गोभी को। मटर को आप यहाँ पे बॉईल करके यूज़ करने से क्या होगा, आपका यहाँ पे मटर अच्छी तरह से यहाँ पे जल्दी पक जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी ले लिया है। पानी ऐड करके इसे थोड़ा टाइम हम यहाँ पे चलाते हुए इसे बॉईल कर लेंगे। इस स्टेज में हम 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम में हम इसे कुक कर लेंगे। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के इसे चेक कर लेंगे। गोभी और मटर हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुका है। इस स्टेज में 1 ग्लास मैंने यहाँ पे गर्म पानी ले लिया है। पानी आप इस यहाँ पे जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी यूज़ कीजिएगा। अभी हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए इसे कुक कर लेंगे। जब ग्रेवी में उबाल आना स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे मैंने 2 से 3 छोटी इलायची को ऐसा कूट के ऐड कर दिया है।
1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। उसके बाद सभी चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इस स्टेज पर मैंने 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके साथ इसे अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ा सा मिला लेंगे। एट लास्ट मैंने यहाँ पे चॉप्ड करके धनिया पत्ता ऐड कर दिया है। धनिया पत्ता ऐड करके इसे अच्छी तरह से यहाँ पे थोड़ा टाइम चला लेंगे। उसके साथ हम गैस के फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, गोभी मटर की रेसिपी, सिंपल रेसिपी बन के यहाँ पे रेडी है। उसके बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे और 1 टेबलस्पून घी और बटर इसमें यूज़ कर लेंगे। इससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।